नगरकटा तृणमूल पार्टीबाट जलपाइगुडी जिल्ला परिषद सदस्य बनेका कर्माध्यक्ष गणेश उरावले मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङलाई सौजन्य रूपमा सिलगढीमा भेटघाट भएको बताएका छन्। आज यसै विषयबारे पत्रकारहरूसित बोल्दै गणेश उरावले भने सबैलाई सर्वविदित छ मोर्चा अध्यक्षले आगामी विधान चुनावमा तृणमूललाई सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्। राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पुनः तेस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्रीको रहनुपर्ने गुरुङले इच्छा प्रकट गरिसकेका छन्। यसैले गुरुङको डुवर्स क्षेत्रमा दरिलो पकड रहेकाले विमल गुरुङसित मिलेर दलले काम गर्नेछ। यसको लागि हामी चाँडै विमल गुरुङसित सरसल्लाह गरी नगरकट्टामा एक विशाल जनसभा गरिने पनि उरावले जनाएका छन्। ये विमल गुरुङ साहब आपका सौजन्य एक मुलाकात मैंने हुआ है, सब सुने हैं, छवि भी एक आया हुआ है, क्या विषय को लेकर आप मुलाकात हुआ है? देखिए, जब सीएम जब डिक्लेयर किया कि विमल गुरुङ जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, तब से हम लोग का एक इच्छा था कि उनके साथ में एक सौजन्य साक्षात हम लोग का जरूरी था। हम लोग को इसका मेन उद्देश्य है कि 2031 का जो इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग के लिए विमल गुरुङ तराई डुवर्स, हम लोग का डुवर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका यहाँ पर हम लोग को सपोर्ट करना आने वाला दिन में उसका समाज, नेपाली समाज और आदिवासी समाज में भी कुछ हम लोग का जो है पॉपुलेशन जो भी है वो लोग विमल गुरुङ को पसंद करते हैं। तो विमल गुरुङ जी अगर हम लोग का तरफ डुवर्स में आके कोई मीटिंग करे और हम लोग को जब सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको 100% श्योर है कि डुवर्स में हम लोग जीत पाएंगे। ऐसे के कार्यक्रम है नगरकटा में उनको ला रहे हैं? हाँ, हम लोग को विमल गुरुङ जी को हम इन्वाइट किए हैं जी, लेकिन 20 तारीख के बाद में हम लोग एक डेट लेके उनका बाद उनको एक यहाँ जनसभा करने का उनको मैंने। अच्छा, उनार साथे डुवर्सर कैंडिडेट लिए कोनो कथा है अपना? डुवर्सर कैंडिडेट लिए देखें, डुवर्सर कैंडिडेट लिए कथा है नहीं, किंतु उन्हीं जाके प्रोजेक्ट करबें, विमल गुरुङ जी जाके प्रोजेक्ट करबें, हतो सीएम और अन्य साइड दिए उन्हें जगह रिपोर्ट गुलो पाछे पीके के दिए बा अन्य कोनो